फ्रेंड्स मूवी एक्शन सीन से फुल्ली लोडेड है और स्टोरी भी धांसू है, तो मूवी को कंप्लीट जरूर देखना तभी मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है वैसे तो कि कैसे एक शहर में एक राउडी को अरेस्ट करने पर 100 से 150 राउडियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उन्हें सबक सिखाने के लिए एक नए पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जिसने 100 से भी ज़्यादा एनकाउंटर किया है। उसका नाम है भार्गव बख्शी। वो आते ही सारे राउडी की हालत टाइट कर देता है। बस एक राउडी के कंटाप पड़ते ही सारे सीधे हो जाते हैं। फिर भार्गव सारे राउडियों से कहता है कि तुम सब तो मामूली से गुंडे हो, तभी इतनी चर्बी दिखा रहे हो, बिल्कुल उस डॉन की तरह अपने ऊपर घमंड कर रहे हो। अबे सालो झांट के पिस्सुओ। अब भार्गव सारे राउडियों को एक डॉन की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। मूवी में हमें अमरापुरा प्रांत के एक जेल को दिखाया जाता है जहां अपना हीरो यानी डॉन अपने साथियों के साथ पुलिस वालों को गोलियों से भून देता है। एक भी पुलिस वाला नहीं बचता है। ये शैतान यानी डॉन पैदा हुआ था एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में सन 1945 में उत्तर भारत के संग्राम नगर के राजा अमरेश्वर के यहाँ, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन किसी गद्दार की वजह से वे सब मारे गए। उनकी पत्नी तुलसी देवी, उनके दो बच्चे संकेश्वर और आरकेश्वरा थे। संकेश्वर बहुत ही गुस्से वाला था और आरकेश्वरा शांत स्वभाव का था। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी माँ उन्हें दक्षिण भारत में लेकर आ जाती है। यहाँ वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पालने में लग जाती है। एक दिन एक गांडू उनसे हफ्ता मांगने आता है तो संकेश्वरा उसका हाथ काट देता है। अब हमारे देश को भी आज़ादी मिल जाती है। आरकेश्वरा एयरफोर्स में पायलट बन जाता है। इस आरकेश्वरा का चक्कर अपने यहाँ के अमरापुरा की बहादुर खानदान की राजकुमारी मधुमती से बचपन से चल रहा है। वीर बहादुर अपनी सत्ता पाने के लिए मलिक नाम के डॉन से हाथ मिला लेता है। लेकिन मलिक का पक्का दुश्मन है भगीरा, जो दक्षिण भारत का डॉन है और यूरोप में रहता है, जिसने अपना चेला खालिद अमरापुरा में छोड़ रखा है। साला ये खालिद इतना कमीना है, इसके सामने किसी के आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है। खालिद को राज्य के मुख्यमंत्री घनश्याम पांडे का खुला समर्थन था। अब घनश्याम और वीर बहादुर भी पक्के दुश्मन थे। मलिक और भंगीरा इन दोनों माँ के लालों के चेलों के बीच हमेशा गैंगवार चलती रहती है कब्जा करने के लिए। अब मूवी में हमें वीर बहादुर को अपने महल में बहुत सारे पूर्व राजा महाराजाओं के वंशजों के साथ दिखाया जाता है, जो सारे मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सनी लियोनी की मूवी सब एक साथ बैठकर देखे या अपने अपने कमरे में। अबे कमीनो, पुराने वाली 10 मिनट वाली नहीं, जो अब बना रही है 2 घंटे वाली, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सारे राजा मिलकर ये प्लानिंग बना रहे हैं कि सत्ता में कैसे आया जाए। और दूसरी तरफ घनश्याम पांडे भी प्लानिंग बना रहा है जिसमें खालिद भी शामिल होता है। खालिद का चेला मसूद साला सागाल का बेटा लगता है, फालतू में गुस्सा करता रहता है साला चमगादड़ सा। घनश्याम खालिद से उसके बेटे को दुबई से बुलाने को कहता है, जो इस बार अमरापुरा से चुनाव लड़ेगा। इधर आरकेश्वरा अपनी प्रेमिका को पायल पहनाने के लिए आता है। यार इतना शरीफ है ये, एक किस भी नहीं करता इसके। मधुमती आरकेश्वरा की माँ से अपनी शादी के लिए बात करने खुद उसके घर चली जाती है। यहाँ वे सब मान जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ देखकर स्टार्टिंग में आरकेश्वरा की तो गांडी फट जाती है यार। वैसे फ्रेंड्स आरकेश्वरा को प्यार से सब अर्का कहकर बुलाते हैं। अब मूवी में हमें एक बुजुर्ग जोड़े को दिखाया जाता है जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपना छाता ठीक करवाने आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी में हमें खालिद के बेटे को दिखाया जाता है जिसे रास्ते में कोई मार देता है। अब मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसे किसने मारा था। साला खालिद का बेटा आधे टाइम उस बुजुर्ग जोड़े की बूढ़ी अम्मा को गोली मार देता है, और जब वो बूढ़े को मारने जाता है तो संकेश्वरा उसके सिर में गोली मार देता है। अब खालिद और मसूद संकेश्वरा को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। संकेश्वरा की माँ उसे बचाने के लिए घर से भगाने लगती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे जेल में सुरक्षित रखने को कहकर मीठी मीठी बातें करके उसे अपने साथ ले जाता है। अब मूवी में हमें मसूद को चौराहे पर एक बोरी को घसीट कर लाते हुए दिखाया जाता है, जिसे वो खालिद की मूर्ति के पास टांग देता है। उसमें से खून टपकता रहता है। मसूद आरकेश्वर और उसकी माँ के सामने संकेश्वर का कटा हुआ सिर उस बोरी से निकालता है। अब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ खालिद संकेश्वर को जेल के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बहन का लंड पुलिस वाला उसका पालतू कुत्ता होता है, उसी के सामने बहन का लंड खालिद शंकर को मारता है। अब आरकेश्वर उस पुलिस वाले के पास आता है उससे मिलने की उसने ऐसा क्यों किया। वो पुलिस वाला उसे गाली देता है कि तेरा भाई तो शेर था और तू डरपोक चूहा, तुम दोनों एक बाप की औलाद ही हो या तू किसी और की औलाद है। ये सुनते ही आरकेश्वर का दिमाग सटक जाता है, सटक ली है उसका, कानून से भरोसा उठ जाता है। अब आरकेश्वर उस पुलिस वाले की मुंडी काट देता है और उसे अपनी माँ के पास ले जाता है। अब आरकेश्वर बिल्कुल बदल जाता है और वो अब किसी से नहीं डरता। उसके सामने जो भी आ जाएगा उसको सिर से लेकर गांड तक चीर कर रख देगा भोसड़ी वाले को। अब उसकी नियति ने उसे एक अच्छे इंसान की जगह खूंखार शैतान बना दिया है और हमें क्या देखना, इसी बात के तो पैसे हैं फ्रेंड्स। अब पुलिस वाले आरकेश्वर को पकड़कर जेल में ले आते हैं। दूसरी तरफ खालिद के पास उसके भगीरा के चेले का फोन आता है कि अपने आदमी का सिर काटने वाले को जेल के अंदर ही मरवा देना, नहीं तो तेरी गांड में भूस भर दिया जाएगा।
इधर रात को आरकेश्वर की जेल में से एक कैदी को दूसरे कैदियों का ग्रुप मिलकर मार देता है, जिसका लीडर फयाज उर्फ टारगेट होता है। टारगेट के बाप की जान खालिद ने ही ली थी, इसलिए वो भी खालिद की गांड मारने के चक्कर में लगा रहता है। टारगेट के साथ ही आरकेश्वर को टॉयलेट साफ करने के काम पर लगा देते हैं। आरकेश्वर चुपचाप इस काम में लग जाता है। इन सालों का दिन सीधा था, बच गए, नहीं तो गांड मारो बिना छोड़ता नहीं इनको ये। अब जेल में मधुमती उससे मिलने आती है और उसे इस रास्ते को छोड़ने के लिए कहती है। आरकेश्वर मधुमती से उसे भूलने को कहता है और किसी दूसरे लड़के से शादी करके अपना घर बसाने को कहता है, लेकिन मधुमती साफ मना कर देती है, वो उसी से शादी करने को कहती है। वाह यार क्या प्यार है, इसे कहते हैं फ्रेंड सच्चा प्यार। अब मूवी में जेल के अंदर बहुत सारे कैदी अंदर आने लगते हैं गिरफ्तार होकर। जेलर इस बात का पता लगाने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है कि जेल पर बाली हमला करने वाला है। सारे बाली के गुंडे होते हैं जो जेल के अंदर आते हैं। ये सुनते ही जेलर की फटकर चार हो जाती है। वो जेल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, सारे कैदियों को सेल में बंद करा देता है और जेल के सारे दरवाजे बंद करवा देता है। बाली खालिद का ही साथी होता है जो आरकेश्वर को मारने जेल में आता है। ये साला हेलीकॉप्टर से जेल के अंदर आ जाता है। लोकल लो बात, अपने चमन चूतिया जेलर ने क्या टाइट सिक्योरिटी करी है। वो नीचे सिक्योरिटी करने में लगा और ये ऊपर से आ गया, जिसे खालिद भी दूर से देखता रहता है, बिल्कुल भल्लाल देव की तरह। तेरा भी गेम बजेगा साले, चिंता मत कर। बाली के गुंडे आरकेश्वर को टॉयलेट के अंदर से बाहर आने को उसका दरवाजा तोड़ने में लगे रहते हैं। रुको जरा, सबर करो। लेकिन आरकेश्वर खुद लात मारकर दरवाजे की मां बहन कर देता है और साथ में उन गुंडों की भी, और सारे गुंडों के अड़ंग बड़ंग तोड़कर मारता है। लास्ट में बाली का सिर काट कर उसी के हेलीकॉप्टर में लटका कर रवाना कर देता है। उसे देखकर जेल के सारे कैदी और खालिद की गांड फटकर हाथ में आ जाती है। अब टारगेट भी आरकेश्वर का साथी बन जाता है और जेल से बाहर जाने के बाद आरकेश्वर की मदद करने के लिए अपने साथियों को भेज देता है। वीर बहादुर आरकेश्वर की जमानत करवा देता है अपना काम निकालने के लिए, जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए। उसे आरकेश्वर अपने लिए एक हथियार के रूप में मिल गया है। फ्रेंड्स, आरकेश्वर के शहर में आते ही उसकी गाड़ी को खालिद के गुंडे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन आरकेश्वर फिर भी बच जाता है और कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। टारगेट के जेल से बाहर आते ही आरकेश्वर खालिद को मारने की प्लानिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चमन चूतिया मसूद, साला साकाल की नाजायज औलाद, आरकेश्वर की माँ को मारने के लिए आता है, लेकिन एंड टाइम पर उसकी माँ को कुछ लोग बचाकर वहाँ से ले जाते हैं जो टारगेट के आदमी होते हैं। अब आरकेश्वर और उसके साथी तलवार लेकर उसे मारने जाते हैं, लेकिन खालिद उन पर गोलियों से हमला कर देता है। आरकेश्वर तो वहाँ से बचकर भाग जाता है, बट उसके एक साथी को खालिद लटका कर बकरे की तरह मारता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब आरकेश्वर भी खालिद की माँ का चौदा करने के लिए हथियार खरीद ही लेता है। इस बार तो मंगीरा खुद खालिद को फ़ोन करता है और उसे घर के अंदर ही रहने को कहता है और उसकी सिक्योरिटी भी टाइट कर देता है। ये साला भी अपने जेलर की तरह चमन चूतिया है। आरकेश्वर पानी के ट्रक के अंदर घुसकर खालिद के पास आ जाता है और उसके सारे टट्टुओं को मारने लगता है। खालिद को मारकर आरकेश्वरा उसे अपने साथ ले जाता है और 20 शहर में लाकर साले को बकरे की तरह हलाल करता है। जैसे उसने उसके भाई संकेश्वरा का सिर काटा था, ऐसे ही मारता है उस मादर जात को वो। खालिद के मरते ही भंगीरा के सारे चेले डोन आरकेश्वरा को मारने के लिए उसके शहर में आ जाते हैं। वो मधुमती से बात करता रहता है, तभी सारे गुंडे उसे मारने के लिए हमला कर देते हैं। आरकेश्वर भी सबको तसल्ली से काटता जाता है। उसका चंडाल रूप देखकर सारे गुंडों की फट जाती है। अब तो सारे वहाँ से कल्टी मारने लगते हैं, लेकिन बेटा भी ये सबको मारेगा और तसल्ली से सेवा पानी करेगा। अरे क्या, मकसूद को उसके साथियों के साथ ज़मीन में गाड़ कर मारता है। लो जी, सस्ता साकाल भी निपट गया। अब आरकेश्वर की मदद से वीर बहादुर चुनाव में जीत जाता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। मधुमती अपने पिता से आरकेश्वर से शादी कराने को कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो उसकी शादी सिर्फ राजघराने में ही कराना चाहता है। लेकिन एक मिनट, अपना डोन भी तो राजघराने से है यार, लगता है इसे पता नहीं है। अभी आरकेश्वर मधुमती से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ सारे राजघराने वीर बहादुर को उसकी बेटी की शादी को लेकर ताने मारने लगते हैं, उसे सुनाते रहते हैं। अब भंगीरा के सारे गुंडों को आरकेश्वर शहर के बाहर ही मार देता है और अब आरकेश्वर भंगीरा को उसके इलाके में जाकर ही मौत के घाट उतारता है। चलो एक चूरन पर्ची को तो निपटा दिया साला, बहुत उछल रहा था। अब आरकेश्वर दक्षिण भारत का डोन बन जाता है। वो अरब सागर और हिंद महासागर पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है। उसके नाम का सिक्का विदेशों में भी चलने लगता है। आरकेश्वर भगीरा के सारे साथियों को मार देता है। दूसरी तरफ मलिक की नज़र आरकेश्वर पर थी। वो आरकेश्वर को मारने की बड़ी प्लानिंग करता है। इस गांडू की भी अलग ही खुजली थी। चिंता मत कर बेटा, आरकेश्वर ही तेरी खुजली मिटाएगा। इतने अपनी गांड पर रोज तेल लगाता रहे चमन चूतिए। अबे लेकिन ये क्या, ये चमन चूतिया तो अभी प्लानिंग ही बना रहा था और आरकेश्वर तो इसकी खुजली मिटाने इसके पास ही आ जाता है। मलिक के घर में घुसकर उसे और उसके सारे चमचों को मौत के घाट उतार देता है। मलिक को तो मारने से पहले उसकी कुछ और भी मार लेता है। समझ रहे हो आप? अब आरकेश्वर भारत का डोन बन जाता है। अब उसे टक्कर देने वाला इंडिया में कोई नहीं है। अब आरकेश्वर उर्फ अर्का के आतंक को खत्म करने के लिए भारत सरकार DSP विक्रम को अमरापुर में भेजती है।
डीएसपी अर्का के घर में आकर उसे धमका कर जाता है कि उसे कुत्ते की मौत मारेगा वो, जब वो अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठकर आराम कर रहा होता है। लेकिन रास्ते में अर्का ही डीएसपी को कुत्ते की मौत मार देता है। अब मधुमति अर्का से अपने पिता को अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर ना बुलाने को लेकर गुस्सा हो जाती है, यानी नाराज हो जाती है। तो अर्का उसकी खुशी के लिए उसे अपने पिता को बुलाकर लाने के लिए उसके घर भेज देता है। मधुमति को जाते समय अर्का शाम तक घर वापस आने के लिए कहता है। वीर बहादुर मधुमति को अपने पास देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन ये क्या, इस साले ने तो मधुमति को अपनी जेल में बंद करवा दिया यार, उसके दोनों बेटों के साथ। मुझे तो लगा ही था जो साला ढोल जैसी कॉमेडी मूवी में भी विलेन का रोल कर सकता है, वो इस मूवी में कैसे शांत बैठ सकता है भला। अब मूवी में हमें पता चलता है कि ये सारा रायता इस गांडू ने ही फैलाया था मधुमति की अर्का से शादी करने की वजह से। उसी ने मलिक को अर्का को मारने को कहा था, डीएसपी विक्रम भी उसने ही बुलवाया था। उसने यूरोप में रहने वाले ढाका को अर्का को मारने के लिए बुला लिया था। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि अगर ढाका भारत में आ गया तो तबाही मचा देगा, इसलिए वीर बहादुर के कहने पर अर्का को मारने के लिए भारत सरकार उसका डेथ वारंट भी निकलवा देती है। वीर बहादुर अपने घर में जेल में बंद करके वो मधुमति के बेटों को तेल छिड़क कर आग लगा देता है मधुमति के सामने ही। और दूसरी तरफ अर्का अब मधुमति को लेकर अंदर से परेशान होने लगता है। अर्का मधुमति को लेकर वीर बहादुर को फ़ोन करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो यहाँ से चली गई, जाओ बाहर जाकर देखो पहुँचने वाली होगी। अर्का बाहर आकर देखता है तो उसके महल के सामने हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स अपने हथियारों के साथ खड़ी है। साले तोप भी लेकर आए हैं उसका महल उड़ाने के लिए। और उनके बीच से आता है अपना पुलिस ऑफिसर भार्गव बख्शी। तो फ्रेंड्स, युद्ध का मैदान सज चुका है, अब ला से बीचने की देर है बस। भार्गव सारी पुलिस फोर्स को अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। अर्का भी अपनी तोपों को बाहर निकाल लेता है और भार्गव को लड़ने के लिए चुनौती देता है। लेकिन तभी वहां दर्जनों की गाड़ियों का काफिला आ जाता है जिनके ऊपर मिसाइल लॉन्चर लगे हुए हैं, जिनका लीडर अपना साउथ मूवी का सुपरस्टार शिवा राजकुमार है। फ्रेंड्स, लगता है ये इस मूवी में ढाका नाम का खतरनाक ड्रोन है। वो अपने मिसाइल लॉन्चरों को दोनों ओर फायरिंग के लिए खोल देता है और फायरिंग हो जाती है शुरू और मूवी हो जाती है दी एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, कौन मरा और कौन बचा ये जानने के लिए तो कब्जा 2 का वेट करना ही पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई बकचोदी के साथ, किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स।